जी हाँ, तो अब बात इस स्टेज पे पहुंच गई है कि हमें छिछोरा कंटेंट रिव्यू करके अपना चैनल चलाना पड़ेगा। खैर, दिस वीडियो इज़ अबाउट ए सॉन्ग कॉल्ड तुम 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 तुम। इस गाने में ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुम को तुम के ऊपर प्रेफर करने के लिए भी तैयार हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी कौम इस गाने से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों कर रही है, और वो अच्छा है या बुरा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। यूजुअली किसी फेमस चीज़ को हेट करने वाले बंदे को पाकिस्तान में लोग कूल समझते हैं, तो इसलिए लोग डिसलाइक करते हैं ऐसी चीज़ों को। लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो डिसलाइक की जा सकती हैं। कुछ मेन वजूहत जिसकी वजह से ये वीडियो डिसलाइक हो रही है, उनमें से नंबर वन पे है कि यहाँ पे फेम को कैश आउट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है और आप कुछ प्रेजेंट नहीं कर सकते और आप मशहूर हैं, तो आप बस आ जाएं और मशहूर होंगे और आप और पैसे कमाएंगे और बस ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। द सेकेंड रीज़न फॉर द हेट इज़ एक्सट्रीम यूज़ ऑफ ऑटो ट्यून जो कि इस गाने में की गई है। तीसरी चीज़ है अरिका हक, जिसको लोग बस हेट करते हैं टिकटॉक की वजह से शायद। और चौथी चीज़ है एक लड़का कॉल्ड रामिस, जो कि टेक्निकली ऐसे है जैसे वो एक बंदर नचाने वाला होता है, तो अगर बंदर नचाने वाला आसिम है तो ये बंदर जो है वो रामिस है। लेकिन उस बंदर के पास फिर स्केल होता है, वो कुछ नाच के दिखा सकता है। थोड़ी न्यूयॉर्क टाइप वाइब देने के लिए शुरू में आती हैं पुलिस सायरेंस की आवाज़ें और एक कोट लिखी हुई आती है विच इज़ इफ़ यू चूज़ मनी ओवर लव यू विल ऑलवेज बी पुअर। ये कोट बिल्कुल यूज़लेस है, लेकिन लोगों को ऐसे लगा कि ओ हो, फिलोसफी से स्टार्ट किया है तो कुछ कूल होगा। तो ये कोट अननेसेसरीली इन्होंने यहाँ पे चेप दी है। लेकिन इस पूरी वीडियो में अरिका हक पांच बॉयज़ को डिच करने के बाद, मनी को चूज़ करने के बाद, लव के ऊपर आखिर में एक अमीर बॉय के साथ खुशी खुशी दिल की तसल्ली के साथ जाती है। शी इज़ नॉट पुअर इमोशनली, शी इज़ नॉट पुअर फाइनेंशली, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ रिच। ये कोट बिल्कुल यूज़लेस है। इसके बाद गाड़ी से निकलते हैं सफ़ेद रंग के टखने, जिसके बाद पूरी वीडियो लोग इंतज़ार करते रहे कि ये पूरा इंसान कब नज़र आएगा। और हानिया आमिर एक बहुत ही स्लीजी और टुन सी आवाज़ बना के एक मैसेज देंगी, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही सबकामोश वीडियो आने वाली है कि यार क्या होगा, अनुराग कश्यप की कोई मूवी तो नहीं है ये। तो वीडियो शुरू होती है एक शॉट से जिसमें आसिम बाथ टब से निकल के सांस लेते हैं, जो कि टोटली ओरिजिनल शॉट है। अब आसिम बार पे बैठ के गाना गा रहा है और ये लड़का अच्छा गा सकता है, लेकिन ऑटो ट्यून शायद कोई फ्री सब्सक्रिप्शन है इनके पास या पता नहीं क्या है, इन्होंने हर जगह उसको घुसेटा नहीं घुसेटना है। तो खैर, इन्होंने उसको भी ऑटो ट्यून किया। अरिका हक की एंट्री होती है जो बहुत सारे पाकिस्तानियों को पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद, मुझे कोई उनसे इख्तलाफ नहीं है, ठीक है, करें जो कर रही हैं अपना। खैर, अच्छा, बार में बैठे बैठे इनका थोड़ा सा सीन हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि अरिका हक जो कि अभी अभी 18 साल की हुई हैं, मैं करूँगा, ये 18 साल की लड़की एक बेहोशी की दवाई टाइप कोई चीज़ आसिम की ड्रिंक में स्नीक कर देती हैं, जो कि एप्पल जूस। और फिर ये दोनों ग्लास उठा के ऐसे चीयर्स करते हैं जैसे मैं छोटे होते अपने कज़न्स के साथ करता था, बिग एप्पल ग्लास में भर के, जब हम प्रिटेंड करते थे कि ओहो आज तो शराबी पार्टी चल रही है। तो लेकिन इतना भरा हुआ ग्लास कौन पीता है भाई। उसके बाद आसिम पीता है, बेहोश हो जाता है। आपको पता चलता है कि ओहो अरिका गोल्ड लेकर है, ये पैसे लेके नाच जाती है। आसिम बार पे सर रख के तकरीबन बेहोश हो चुके हैं और ये शॉट भी बिल्कुल टोटली 100% ओरिजिनल है। उसके बाद आते हैं शमून भाई, जिनका म्यूज़िक मुझे पसंद है और उनकी एक वाइब है ऐसे कि चिल करेंगे बॉयज, आप सिंगिंग पे इतना फोकस नहीं करते बट द होल वाइब ऑफ द सॉन्ग इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन फिर वही बात कि ऑटो ट्यून ऐसा घुसा है। दो तरीके हैं गाना गाने के, तेरे हाथ में डोरी नहीं तू दिल की ता चोरी, और तेरे हाथ में डोरी तू दिल की ता चोरी। ये क्या है? अरिका को अल्हम्दुलिल्लाह सबटाइटल्स दिए गए इस वीडियो में, क्योंकि शायद शायद उनकी आवाज़ इतनी प्लीजिंग ना लगे इस दुनिया को। तो दो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हो गई हैं कि एक तो अरिका ने शादी नहीं करनी और दूसरा उसको पैसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लुई वुइटान प्राडा और गुची को तो ये रैपर बॉयज ऐसे इस्तेमाल करते हैं अपने गानों में जैसे पीटीआई करती है एयर वाई को। यहाँ पे मोरू अपना कैमियो करते हैं विच इज़ वन ऑफ द रीजंस के आदि अवाम ने ये वीडियो देखी है और इसको लाइक भी किया। मूड स्विंग ऐसे वसीम अकरम टेंशन में न्या न्या मूड स्विंग न्या न्या न्या। फिर आता है ये बॉय जिसका नाम है रामिस, जिसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये पता करने की कोशिश की है कि इसका अपना क्या स्किल है अपार्ट फ्रॉम बीइंग आसिम अज़हर का दोस्त। और मेरा बहुत टाइम ज़ाया हुआ और मुझे पता चला कि इसका कोई स्किल नहीं, ना ही अच्छा रैप कर सकता है, ना ही अच्छा गाना बना सकता है, और जहाँ जहाँ आसिम अज़हर जाता है इसका वहाँ होना ज़रूरी है। भाई कुछ तो अपना कर ले लाइफ में यार ये बंदा। और ऐसे काफ़ी सारे और लोग हैं जो कि सिर्फ इसलिए मशहूर हैं कि वो किसी मशहूर आदमी के दोस्त हैं, तब ये क्या बात हुई? और तुम इस गाने में क्या कर रहे हो? तुम्हारा रैप भी अच्छा नहीं है। ट्विटर पे ट्रेंडिंग माना चेप थोड़ी हल्की पर करूंगा हैप्पी एंडिंग। ये क्या है? ये रैप है? ये 50 सेकंड का कचरा एक बहुत जरूरी वजह है इस वीडियो के हेटरेड की। दिस इज द वर्स्ट 50 सेकंड्स ऑफ रैप यू कैन हियर। और मैंने कभी रैप नहीं किया बट मैं इससे अच्छा रैप कर सकता हूँ।
Rap? This isn't rap, man. It's absolute crap, damn straight out of the trash can. If it wasn't for the youngsters, you'd be done. This is the first gig, God just let me so ye dekho main bhi to rap kar sakta hu. Cheap baatein jod ke swap kar sakta hu. Ga leta hu main, but this is just a lesson. Beaton ki sassy rhymes don't sound impressive. Beat mufti ki might not be a beat drop. This bullshit, it really, really needs to stop. Win or lose, not an option to draw. Real Amir and I'm keeping it raw. Ross is smacked down like Viper the Cobra. Awesome at D-back, to Ram is uska chokra. Here's the formula, feel ki Ben Ursula. Wanna make your song famous, do teen celebs doll. Auto-tune kar, kyunki lyrics ka hai bura hal. Thumb the fuck on, smart nahi hai cheap chal. Mehngi gaadi, can't make up for content. I feel bad for the 6 minutes you all spent. 3 मिनट 33 सेकंड के बाद आता है फाइनली गाने का अच्छा पार्ट, जिसमें आता है तला अंजुम रिस्पेक्ट फॉर यंग स्टैंडर्स. अगर ये दोनों बॉयज़ और मोरू इस गाने में ना होते तो ये गाना लिटरली इसकी डिसलाइक्स लाइक से ज़्यादा होती. खैर, स्किपिंग टू द एंड पार्ट, जब वो शुरू में जो टखने दिखाए गए थे उसके ऊपर लगी हुई लड़की दिखाई जाती है जो कि हानिया आमिर है. और इस 30 सेकंड में हानिया आमिर सिर्फ ये करती हैं कि वो चल के जा रही हैं और शी इज़ लाइक के ये देखो मेरी बॉडी गाइज एंड दिस इज़ ग्लैमर इन शिट. तो प्लीज़ अब आधा पाकिस्तान जो कि छिछोरा है और छोटे कपड़े वाली लड़कियाँ देखना चाहता है तो प्लीज़ सब आ जाओ और ये वीडियो देखो और ये जो 5 बॉयज़ 6 बॉयज़ खड़े हैं इनको प्लीज़ लाइक कर लो. इन समरी, इस गाने को जो लाइक्स मिली हैं उसकी सिर्फ 2 वजूहत हैं, एक यंग स्टैंडर्स और दूसरा मोरू. सिर्फ मशहूर लोगों को डाल देने से और बहुत सारे पैसे, बहुत सारी लाइटिंग, फैंसी शर्ट, कैमराज, लोकेशंस, कपड़े डालने से अच्छा कंटेंट नहीं बनता. यू नीड टू हैव क्वालिटी, जो कि इसमें नहीं है. एंड दिस इज़ हाउ पाकिस्तान इज़ रिएक्टेड टू दिस सॉन्ग. सबसे मशहूर कमेंट, मेरी दादी ने व्हीलचेयर से उठ के ये गाना बंद किया एंड शी हैज़ बीन पैरालाइज्ड फॉर 3 ईयर्स. तुम हैज़ डन वंडर्स, मेडिकल वंडर्स फॉर पीपल. तुम अच्छे स्टाइल से बोल लेते तो शायद सॉन्ग अच्छा हो जाता. फियर 2020 वॉज अ सॉन्ग. थू 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 क्रिएटिव. फिर ये लोग कहते हैं अर्थ को ड्रामा ना देखो, अपने मुल्क की चीज़ें देखो. यंग स्टैंडर्स ना होते तो रट्टी हो जाती सॉन्ग की. बेशक, सही कह रहा है आदमी. सुना है अगर 1000 लोग आमीन बोलें तो दुआ कबूल हो जाती है, या अल्लाह हम सबको अपने पेरेंट्स का बरदार बना दे. व्हाट, ये कमेंट इस वीडियो के नीचे. क्या यार, कुछ भी वायरल कर रहे हो तुम लोग. एग्जैक्टली, थैंक यू विवेक शर्मा. एग्जैक्टली यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ को वायरल करना बंद कर दें. कुछ स्टैंडर्ड्स रखें अपने. अगर कोई चीज़, कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको पसंद आती है एंड इट मीट्स योर स्टैंडर्ड्स, तो फिर उसको ज़रूर शेयर करें, उसको अप्रिशिएट करें. वरना आप उसको, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आई, आप उसको डिसलाइक कर दें, आप नीचे आगे लिख दें यार कि प्लीज़ ये मत करो, तो मैं नहीं करूँगा. लेकिन अगर आप उसी को इनकरेज करते रहेंगे तो गंदा कॉन्टेंट बनता रहेगा, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो. इफ़ यू टेल देम कि दिस इज़ ओके, कि आप अपनी शक्ल लेके आओ, डिस्को लाइट्स मारो, ऑटो ट्यून करके थोड़े फैंसी तरीके से सब कुछ दिखाओ, और आवाम उसको एक्सेप्ट करेगी. तो जब आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जैसे कि इस वीडियो के हैं 1,00,000 डिसलाइक्स, जो कि मैंने किसी पाकिस्तानी वीडियो के पहले नहीं देखे. और वो लोग जो कि कह रहे हैं ना कि यार बहुत हार्ड वर्क लगा है यार, म्यूज़िक बनाना आसान नहीं है. ओ भाई, किधर आए हो? ये हार्ड वर्क होता है कि ऑलरेडी मशहूर लोग डालो, गंदे से लिरिक्स लिखो, ऑटो ट्यून लगाओ और गाना बना लो. ये हार्ड वर्क हो रहा है बहुत ज़्यादा. आवाम ने एक पॉइंट कन्वे किया कि यार हमें पसंद नहीं आया, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी फिट बात है कि अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो अगले को पता होना चाहिए ताकि वो अगली बार बेहतर करे. ऑटो ट्यून वॉज हर्ट इन मेकिंग दिस वीडियो. येस, डेफिनेटली इट वॉज़. खैर, कंक्लूजन ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कुछ लोग सुबह सुबह उठ के ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स चलाते हैं जिनका नाम है हानिया इज़ द क्वीन, इकरा इज़ माई लव, और ये सब कुछ देख के इन सेलिब्रिटीज़ को ऐसे लगता है कि यार हम कुछ भी कर दें, आवाम उसको पसंद ही करेगी. खैर, कंक्लूजन ये है कि अच्छा दिखना या अमीर होना कोई टैलेंट नहीं है. अगर कोई क्रिएटर ऐसी चीज़ बनाता है जिसमें उसकी एफ़र्ट, उसका टैलेंट और उसकी क्वालिटी नज़र आ रही है तो आवाम उसको अप्रिशिएट करेगी. वरना अच्छा दिखना या बहुत ज़्यादा अमीर होना, ये ना कोई स्किल है और ना इसको कोई अप्रिशिएट करता है. थैंक यू वेरी मच. ये जैसे विक्ट्री लैब पे क्लिक क्लैक बॉल बारी, 32 बॉल 32 फैक्ट्स, 32 गाने पिछले साल फेंके बैक टू बैक. वन लव, ऑल आई नीड इज वन माइक. थग लाइफ ऑलवेज हंबल, रखो ठंड भाई. सोशल मीडिया पे सिर्फ फैले गंद, भाई दुकानें करूं बंद, चानी ऑल आई नीड इज वन नाइट.